हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल भक्ति पूजा। पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 12 अगस्त मंडे से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी चिंता क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन हम लोग आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आईपीओ 12 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 238 से 250 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 600 शेयरों की है, टोटल इश्यू साइज 51.21 करोड़ की है, प्लेस इश्यू 51.21 करोड़ की है, ऑफर पर सेल 0 करोड़ की, इनके ऑफर पर सेल है। लिस्टिंग NSE/SE में मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी और ये आईपीओ 20 अगस्त ट्यूजडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन है, QIB के लिए 50% का, एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,50,000 रुपए है। चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 3,00,000 रुपए है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में 57.98 करोड़ के प्रॉफिट था, जो 24 में बढ़कर के 878.78 लाख हो गई। सॉरी, 57.98 लाख से बढ़कर के 878.78 लाख हो गई। लगभग यहाँ पर 15-16 गुना का ग्रोथ है। फाइनेंशियली अगर यहाँ पर देखें तो आईपीओ काफी स्ट्रांग दिख रही है। अपने प्रॉफिट को मात्र 3 साल के अंदर 15-16 गुना ग्रोथ किया है। रेवेन्यू 896.85 लाख से बढ़कर के 13,541.76 लाख हो गई। यहाँ पर भी लगभग 15 गुना का ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। एसेट 2022 में 938.90 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 3,789.2 लाख हो गई। नेटवर्क 354.45 लाख से बढ़कर के 14,089.26 लाख हो गई। रिजर्व सरप्लस 319.75 लाख से बढ़कर के 934.6 लाख हो गई। उधारी 368.33 लाख से बढ़कर के 10,27.90 लाख हो गई। फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.85% है एंड ROCE 0.62% है और इसका निगेटिव असर लिस्टिंग पर दिखेगा। डेप पर इक्विटी 0.69 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 59.1% है, पैट मार्जिन 6.52 है, PE प्री आईपीओ 15.79 है एंड पोस्ट आईपीओ 21.62 है। फाइनेंशियली ठीक ठाक दिख रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड ROCE थोड़ा सा यहाँ पर कम दिख रही है। बात करें बिजनेस की, 2008 की इनकॉर्पोरेटेड पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एडवाइजरी प्रोवाइड कराती है। इसके साथ ही एंड टू एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूशन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करती है। ये कंपनी इंडिया मार्केट में कॉमन पेरिज पाइपलाइन नेटवर्क का यूटिलाइज करता है एंड नेचुरल गैस पर इसका मुख्य फोकस है। जो नेचुरल गैस है उस पर इसका मुख्य फोकस है। एकीकृतकरण बिजनेस का विस्तार कर रही है। गैस एग्रीगेशन बिजनेस में एक खास करके आगे बढ़ रही है, अग्रेसर है इस फील्ड में। एंड एक कंपनी गैस क्षेत्र में क्वालिटी एंड क्वालिटी चेक करती है एंड रख रखाव का भी सर्विस प्रदान करती है। ये अपने सर्विस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंशन एंड दूसरा ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ CGD नेटवर्क एंड तीसरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ CNG एंड स्मॉल स्केल LNG, चौथा एक्सक्यूशन प्रोजेक्ट फॉर CGD इंफ्रास्ट्रक्चर ETC। इसके पास लगभग 140 इम्प्लॉई है। जहां पर इसका वर्क स्पेस है वहां पर इसके पास 140 इम्प्लॉई है। तो बिजनेस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में रख रखाव का भी सुविधा प्रदान करती है, साथ ही साथ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट को भी प्रोवाइड करती है। टेक्निकल एडवाइजरी एंड मैनेजमेंट का भी सर्विस प्रदान करती है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड
ये ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की भी सर्विस प्रदान करती है, तो बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है, बेहतरीन बिजनेस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है एंड इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। बात करें इसकी जीएमपी की, तो 8 अगस्त की इसकी जीएमपी की ओपनिंग 121 रुपए पर हुई थी, आज बढ़कर के 150 रुपए पर हो चुकी है। अपने निवेशकों को 60% की बिक्री है, अनलिस्टेड मार्केट में 400 पर ट्रेड करी है। इसने 90% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो सकती है, हाईएस्ट प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होगा क्योंकि बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है, जीएमपी में लगातार ग्रोथ है, कल ही आईपीओ ओपन होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा जीएमपी बढ़ेगी और एक अच्छा लिस्टिंग रेट मिलेगा, यानी कि 90% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट हो सकता है। बाकी आपका पैसा निवेश कहाँ करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्क होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।